हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले आपको remove.bg वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है अपलोड इमेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपने जिस फ़ोटो को भी चेंज करना है उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, आप यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी इमेज को ये अपलोड कर रहा है। इमेज अपलोड होने के बाद यह आपका बैकग्राउंड खुद ही हटा देगा, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई बैकग्राउंड चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई सिलेक्टेड इमेज है जो कि आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें भी बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आपको इसमें कई सारे कलर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसमें कौन सा कलर लगाना चाहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि बिना किसी ऐप से और बिना कोई मेहनत किए खुद से बैकग्राउंड चेंज हो गया है। इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, आपकी इमेज डाउनलोड होने के लिए लिंक आ गया है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपकी इमेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आप इसको ओपन कर लेंगे, और ओपन करके आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। जैसा कि आप सभी ने देखा, कितनी आसानी के साथ इस बैकग्राउंड को चेंज किया जा चुका है। इसी तरीके से आप भी अपनी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।